मेरे YouTube के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, ध्यान मेडिटेशन इसके ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन पड़ी है, बहुत वीडियोस हैं और किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है। उसका एक कारण है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि ध्यान कई तरह का है, ये वो इत्यादि। तो कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता, शुरू ही नहीं कर पाता, कंफ्यूजन में रहता है, कौन सा ध्यान करूं, कहां से सीखूं इत्यादि। देखिए, ध्यान यानी कि मेडिटेशन एक ही रास्ता है मानव को महामानव बनाने के लिए। हाँ, महामानव, महामानव से अभिप्राय ये नहीं है कि आप कोई बहुत ही बाहुबली शक्तिशाली कुछ ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके इशारे पे सब दुनिया चलेगी। नहीं, ये तो भौतिक बातें हैं ना, गुमराह करने वाली। हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मानव से महामानव बनने का मतलब ये है कि आम आदमी जीवन के कई कठिनाइयों से जूझ नहीं पाता, हार जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है या सुसाइड कर लेता है। तो जीवन क्या है, कठिनाइयों का, सॉरो सफरिंग का, दुख तकलीफ का क्या महत्व है? आप यहाँ पृथ्वी पे क्यों आए हो? आप कौन हो? सच्चा स्वरूप आपका क्या है? जीवन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है इत्यादि, ये बातें आम आदमी नहीं जानता, इसलिए वो कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। इन सब बातों को समझ पाना वही तो मानव से महामानव बनना है। फिर दुख तकलीफ रहते हुए भी, बुरी से बुरी कंडीशन में से पास होते हुए भी आप भीतर से आनंदित रह करके जियोगे, संतुष्टि से जियोगे। अभाव भी है किसी चीज़ का तब भी कोशिश करोगे वो चीज़ हासिल करने की, लेकिन नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेट गो एटीट्यूड इत्यादि वो सभी आ जाएगा। इसी से अभिप्राय है मेरा कहने का कि मानव से महामानव बनना। तो मेरा ये वीडियो उसी प्रयास में है, खास करके मेडिटेशन ध्यान के ऊपर जो भ्रम फैला हुआ है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं ध्यान के ऊपर, लेकिन अभी भी बहुत लोग प्रश्न करते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है। तो आइए आज इस छोटे से वीडियो में हम मानव से महामानव बनने का रास्ता देखें क्या है और उसमें ध्यान का क्या योगदान है, और ध्यान क्या है, कैसे करें, क्या करें इत्यादि। देखिए, पहला बहुत बड़ा भ्रम तो ये फैलाया हुआ है कि ध्यान मेडिटेशन कई तरह की है, कई तरह के नाम देती है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और ओम मेडिटेशन और फलाने में बहुत। देखिए मेरे साथियों, यदि आप ट्रूथफुल सीकर हो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र चाहते हो, तो एक बात आज समझ लो कि ध्यान तो ध्यान ही है, मेडिटेशन है, उसके कई प्रकार नहीं है, एक ही है। हाँ, उसके स्तर हैं, लेवल्स, शुरू करोगे शुरुआत है, फिर धीरे धीरे उसके गहराई में जाओगे, वो स्तर हैं, वो आपकी प्रोग्रेस के साथ आप उनमें एंटर करोगे अगर सही ढंग से चलते हो तो, जैसा मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेडिटेशन के कई स्तर हैं, ना कि कई प्रकार। तो इस उलझन में मत पड़िए कौन सा मेडिटेशन कहाँ से, और सीखने की जरूरत नहीं है, स्वयं कर सकते हो जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी ना। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो उसमें एक माइलस्टोन साबित होगा।
ध्यान है क्या, मेडिटेशन क्या है भाई? बहुत लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सालों से कर रहा हूँ, एक एक घंटा करता हूँ, दो घंटे करता हूँ। अरे भाई ध्यान है क्या, ये नहीं जाने, कई लोग नहीं जानते मेडिटेशन क्या है। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां आम तौर पे हर व्यक्ति की बहिर्मुखी हैं, बाहर से इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, कानों द्वारा, आंखों द्वारा, नाक द्वारा, टच द्वारा, बाहर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहिर्मुखी है। उनको अंतर्मुखी करना ताकि हम चेतना की उच्च स्तर पर, सुपर कॉन्शियस स्टेट, ट्रांस स्टेट, उसमें पहुंच सकें, वहीं से फिर कल्याण है, वहीं से फिर आत्म साक्षात्कार है, सब कुछ है, समाधि है। तो ये ध्यान क्या है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेट रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, जैसे मैंने बताया, अपनी इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना कुछ समय के लिए, ताकि आप चेतना के उच्च स्तर, सुपर कॉन्शियस स्टेट, ट्रांस स्टेट में जा सको। कुछ मौलिक बातें हैं, बेसिक, जिन पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते और मेडिटेशन में लग जाते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। कोई भी बिल्डिंग है ना, उसका बेस तो पहले सही होना चाहिए ना, बेस भी तो खड़ी होती है बिल्डिंग, तो ये भी एक बिल्डिंग है आपके आत्म साक्षात्कार के लिए, आप भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मंजिल तैयार कर रहे हो ना, तो उसका बेस, कुछ बेसिक बातें हैं वो समझिए आज इस वीडियो में। ये हो सकता है बहुत लोग आपको नहीं समझाए। आपने ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए लंबे समय के लिए किसी आसान स्थिर आसन में स्थिर होकर के बैठना है, तभी तो ध्यान होगा ना। आमतौर पे लोगों को ये आदत ही नहीं है पांच मिनट भी स्थिर होकर बैठ सके। हाँ, कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ अट्रैक्टिव, कोई टीवी में कोई ऐसा शो चल रहा है, कुछ चल रहा है, या पिक्चर देख रहे हैं, या कुछ, वो हो सकता है बड़े अटेंटिवली बैठे हों, लेकिन ध्यान तो फिर आपका बाहर है ना। तो ऐसा आसन, पोस्चर, उसमें बैठने की आदत डालना जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सको, और ऐसे बैठ सको कि आपके शरीर में कोई टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, पेन ना हो। ये जरूरी नहीं कि आपने क्रॉस लेग पोस्चर में, लोटस पोस्चर कहते हैं, उसमें बैठना, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अगर आप यूज टू हो तो उसमें बैठने के, तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। आप कुर्सी पर बैठिए, टांगे लटका के पैर नीचे जमा लीजिए किसी रग के ऊपर, फिर फर्श पे। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो भी पोस्चर आप फॉलो करते हो, आपकी पीठ, गर्दन और सर वर्टिकली स्ट्रेट रहना चाहिए, अकड़ा हुआ नहीं, रिलैक्स्ड, लेकिन स्ट्रेट अप, वो जरूरी है। आसन ऐसा सुख आसन जिसमें आप अपने भौतिक शरीर को भूल सको, यानी कि कहीं टेंशन होगी शरीर में, पेन होगी, तो फिर शरीर की और ही चेतना रहेगी ना, चेतना शरीर से ऊपर नहीं उठेगी। तो आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप शरीर के बारे में भूल ही जाओगे भी शरीर भी है मेरा, ऐसा सुख आसन, कुर्सी में बैठी जैसे मैंने बताया। अब प्राणायाम बहुत जरूरी है इसमें, बहुत लोग समझ नहीं पाते प्राणायाम का क्या रोल है। मैंने वीडियो में भी जिक्र किया, किसी ने प्रश्न किया था। देखिए, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी का जो एक राजयोग है, आपने सुना होगा, जिसको अष्टांग योग भी बोलते हैं, अष्टांग क्योंकि उसके आठ पहलू हैं, आठ स्तर हैं, लेवल्स हैं, आठ अंग हैं उसके। क्या क्या है? यम, यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तो फिर एंड रिजल्ट है। धारणा कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, फिर समाधि।
अब इसमें देखिए यम नियम जो है ना, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, मैं कर चुका हूँ। वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग है। जितना आपका कैरेक्टर चरित्र में निखार होगा, आप गलत काम नहीं कर रहे, उतनी आपकी चेतना जल्दी उच्च स्तर में पहुंच पाएगी, नहीं तो नीचे गड्ढे में, भौतिक संसार में, तामसिक वे में डूबी रहेगी। तो यम नियम उसके फॉलो जरूर करने, साथ ही साथ उसके बाद यम नियम के बाद क्या है, आसन पोस्चर बैठना। देखिए तीसरे स्तर पर महर्षि पतंजलि जी ने, क्योंकि आसन जरूरी है, पोस्चर जिसमें आप लंबे समय तक स्थिर होकर के बैठ सको। उसके बाद फिर प्राणायाम, देखिए चौथे नंबर पे प्राणायाम लिया है, जबकि समाधि जो एंड रिजल्ट है वो आठवें स्तर पे है, चौथे पे प्राणायाम लिया। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एहसास, उनको एहसास था ना कि भाई प्राणायाम क्यों जरूरी है, और प्राणायाम क्यों जरूरी है, प्राणायाम के बाद क्या आता है पांचवें स्तर पे, प्रत्याहार। प्रत्याहार ही तो है इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, वो जरूरी है, जब तक वो नहीं होगी तो आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। प्राणायाम उसमें हेल्प करता है, और भी कई तरीके से हेल्प करता है, लेकिन इसमें वीडियो में तो यही मान लीजिए कि आपकी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में, यानी कि प्रत्याहार हासिल करने में प्राणायाम का बहुत ही योगदान है। अब कौन सा प्राणायाम करें, ये करें वो करें, वो अलग है विषय, बहुत मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए प्राणायाम जरूर करना है मेडिटेशन से पहले रेगुलर। इन सभी बातों का जो मैंने अभी बताई हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए लगातार, फिर उलझिए मत कौन सी मेडिटेशन क्या, वो एक ही है। फिर मैं मेडिटेशन में मुझे कोई आगे जाऊं, मैं वो कह रहे हैं ये करना है, वो फिर बाद में, पहले ये इन बातों में सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, स्थिर होकर के किसी आसन में, सुखासन में बैठ पाओ लंबे समय तक, शरीर को भूल जाओ, चेतना को ऊपर उठा पाओ। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने जो भी है टाइम लगे, फिर आगे जो है मेडिटेशन, उसमें मैं कई वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ एडवांस कैसे करना है, और भी बना सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो, तब फिर आपको शीघ्र लाभ होगा गहरे ध्यान में जाने का, ट्रांस स्टेट में जाने का, सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाने का, यानी कि महामानव बनने की ओर तीव्रता से अग्रसर होने का। जी हाँ, देखने में आप चाहे कैसे भी हो, सिंपल हो, ऐसे लगता है जैसे मेरा शरीर है क्षतिग्रस्त रहा बीमारी से, वेट इतना कम हो गया जैसे बच्चों का होता है, देखने से मेरे को कोई देखेगा तो वो कहेगा यार ये क्या लाचार, ये बूढ़ा, क्या क्या जीना इसका, उसको नहीं पता कि मैं भीतर क्या हूँ, महामानव ही हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई हैं, इनको आप साधारण समझ करके इग्नोर नहीं करोगे, ये बेस बनाएंगी आपके लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए, फिर तीव्र गति से आपकी उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति। इन बातों पे प्रैक्टिस कीजिए डेली, और सिद्ध कर लीजिए इन चीज़ों को, ताकि आप जैसे ही बैठो आप उस पोस्चर में, एकदम आपका ध्यान शरीर से ऊपर उठना शुरू हो जाए, बस फिर देखिए चमत्कार। कीजिए, करने से होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मेरे सभी दर्शक जो सच्चे साधक हैं, ट्रुथ सीकर हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनको विशेषकर लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।